बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक सरस्वती मंथन मेरा अपना व्याकरण कक्षा 3 के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारा तीसरा पाठ है शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य को अंग्रेजी में वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कहते हैं। बच्चों, इन चित्रों को देखें। बच्चों, यहाँ शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर कुछ शब्द लिखे हैं। आप हैरान होंगे कि अध्यापक ने यह क्या लिख दिया। क्या कोई बता सकता है कि इनका क्या अर्थ है? इनका अर्थ है कमल, बादल, मछली। वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं, किंतु ये वर्ण सही ढंग से लिखे हो तभी अर्थ समझ में आता है। वर्णों का वह समूह जिसका उचित अर्थ हो शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जो निश्चित अर्थ देते हैं, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कलम, डिब्बा, बतख, सड़क आदि। सार्थक शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि। दूसरा है निरर्थक शब्द। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता सार्थक निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मलक, बबाडी, खतब, रकस आदि। बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि वर्णों का सही मेल या क्रम जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। अब इन चित्रों के द्वारा हम वाक्य समझेंगे कि वाक्य कैसे बनते हैं। इस पहले चित्र को देखें। इस पहले चित्र में चिड़िया उड़ रही है। यहाँ पर बच्चों दो तरह से वाक्य लिखे हुए हैं। पहला वाक्य है मैं आकाश है चिड़िया उड़ती, और दूसरा वाक्य है चिड़िया आकाश में उड़ती है। अब आप दूसरे चित्र देखें। बच्चों, इस दूसरे चित्र को देखें। इस दूसरे चित्र में एक बच्ची पढ़ रही है। इस चित्र में भी दो वाक्य में दिया हुआ है। पहला वाक्य रही सोनिया है पढ़, दूसरा वाक्य सोनिया पढ़ रही है। आपने दोनों वाक्य पढ़े। ऊपर दिए गए शब्द समूह को पढ़कर पता चलता है कि पहले शब्द समूह में शब्दों का मेल सही नहीं है, और इसलिए इस पहले वाक्य का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, और दूसरे वाक्य में शब्दों का मेल सही हो रहा है। इसी तरह आप इस चित्र में देखेंगे कि ऊपर दिए गए शब्द समूह को पढ़कर पता चलता है कि पहले शब्द समूह में शब्दों का मेल सही नहीं है, इसलिए पहले वाक्य का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, और दूसरे वाक्य में शब्दों का सही मेल हो रहा है। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे
कि वाक्य क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ को विस्तार से आपके पुस्तक में पढ़ते हैं कि इसे कैसे पढ़ाया है। हमारा तीसरा पाठ है शब्द और वाक्य। शब्द को अंग्रेजी में वर्ड्स कहते हैं और वाक्य को सेंटेंसेस। बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हम यहाँ तीन वर्ण के शब्द लेते हैं, जैसे क, ल और म। इन तीन वर्ण से कई शब्द बन सकते हैं, जैसे ल क म, लकम, म ल क, मलक, ल म क, लमक। आपने देखा बच्चों कि इस तीन वर्णों से कितने शब्द बने? लेकिन बच्चों, क्या इन शब्द से कोई अर्थ पता चल रहा है? नहीं। अब इन वर्णों को ऐसे लिखते हैं, क ल म, कलम। क्या इस शब्द का कोई अर्थ है? हाँ, इस शब्द का अर्थ है जिससे हम लिखते हैं, जिसको हम कलम कहते हैं। तो बच्चों, चलते हैं और देखते हैं कि हमारी पुस्तक में इसे कैसे पढ़ाया है। शब्द और वाक्य, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। शब्द। इस चित्र का नाम तीन वर्णों के मेल से बना है। ये वर्ण है ल, ह और म। अब इन वर्णों के अलग अलग मेल देखिए। म ल ह मलह, ल ह म लहम, ह ल म हलम, ह म ल हमल, ल म ह लम्ह, म ह ल महल। आपने देखा कि ल ह और म के मेल से मलह, लहम, हलम, हमल और लम्हा का कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, चित्र के नाम का पता महल से चलता है। म ह और ल के इस मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों का सही मेल या क्रम जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। शब्दों में केवल वर्णों का मेल हो सकता है, जैसे ज ल जल, ह और ल से बना हल, घ और र से बना घर, क ल श से बना कलश। शब्दों में मात्रा वाले व्यंजन हो सकते हैं, जैसे इस चित्र को देखें। यह चित्र किसी सब्जी की है। यह लाल है, इसे हम टमाटर कहते हैं।
अब इन शब्दों को तोड़ के लिखते हैं। ट ट म बड़ा की मात्रा ट और र, इसमें बड़े आ की मात्रा आई, टमाटर। अब इस चित्र को देखिए, यह चित्र किसकी है? यह चित्र एक जानवर की है, यह चित्र हिरन की है। इसे लिखेंगे छोटी ई, ह, र और न, हिरन। इस चित्र को देखें, यह चित्र आप अपने घर में भी देखते होंगे इस जानवर को। यह जानवर का नाम है चूहा। अब इसको हम लोग अलग करके लिखते हैं। च बड़े उ की मात्रा, ह और बड़े आ की मात्रा, चूहा। बच्चों इस चित्र को देखो, यह चित्र एक जानवर की है जो बहुत गाजर खाता है। इस जानवर को हम खरगोश कहते हैं। इस शब्द को हम तोड़ के लिखते हैं, ख र ग ओ की मात्रा और श, खरगोश। शब्दों में संयुक्ताक्षर भी हो सकते हैं, जैसे आपने अभी पिछले पाठ में पढ़ा कि संयुक्ताक्षर शब्द क्या होते हैं। दो व्यंजनों को मिलाके संयुक्ताक्षर बनते हैं, जैसे पत्ता, गुच्छा, सर्प, ट्रक। यह भी जानिए, कुछ शब्दों के वर्ण उलट पलट देने पर नए शब्द भी बन जाते हैं, जैसे ब और स, बस, स और ब, सब। बस मतलब जिससे हम यात्रा करते हैं और सब मतलब सभी लोग। अब इन शब्दों को देखें, क म और ल, कमल। कमल मतलब एक फूल। क ल म कलम, कलम मतलब जिससे हम लिखते हैं। बच्चों अभी आपने पढ़ा कि वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। अब आप पढ़ेंगे कि सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। जैसे इन शब्दों को पढ़िए, है हरी खाता तोता मिर्च। क्या यह शब्द सही क्रम में है? नहीं, यह शब्द व्यवस्थित नहीं है। अब इसी वाक्य को दोबारा देखें, तोता हरी मिर्च खाता है। यह वाक्य स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि तोता हरी मिर्च खाता है। तो अब आप समझे कि शब्दों के व्यवस्थित रूप से वाक्य बनते हैं। तो चलिए अब हम अपनी पुस्तक में पढ़ते हैं कि इसे कैसे पढ़ाया गया है। वाक्य, जिस तरह से वर्णों के
सही मेल से शब्द बनता है। उसी तरह शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। जैसे नाच रहा है बंदर। इस वाक्य में शब्द तो सही है परंतु सही क्रम में नहीं है। लिखा गया है इसी कारण से यह वाक्य गलत है। वाक्य का सही रूप बंदर नाच रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों के सही क्रम को जिसका कोई अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। तो बच्चों हमने क्या सीखा? हमने सीखा वर्णों के सही क्रम को जिनका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। शब्दों के सही क्रम से ही वाक्य बनते हैं। अभ्यास को अंग्रेजी में एक्सरसाइज कहते हैं। पाठ की समझ। पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, क शब्द की परिभाषा लिखिए। बच्चों अपने पाठ को दोहराएं और याद करें कि शब्द किसे कहते हैं और सोचकर इसका उत्तर लिखें। इसका उत्तर है वर्णों के सही मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। ख वाक्य किसे कहते हैं? बच्चों अपने पाठ को दोहराएं और याद करें कि वाक्य क्या होता है और सोचकर इसका उत्तर लिखें। इसका उत्तर है शब्दों का सही क्रम जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। भाषा की समझ। दूसरा, इनमें से जो शब्द सही है उन पर गोले लगाइए। जावनर, क्या ये शब्द सही है? जावनर, क्या इसका कोई अर्थ होता है? नहीं। लड़का, क्या ये शब्द सही है? लड़का, लड़का एक बालक होता है। इस शब्द से कोई अर्थ निकल रहा है तो इस पर आप गोला लगाएंगे। सलाह, क्या सलाह कोई शब्द होता है? नहीं, सलाह कोई शब्द नहीं होता। लमक, क्या लमक कोई शब्द होता है? नहीं। हिरण, हिरण, हिरण क्या होता है? हिरण एक जानवर है। इससे कोई अर्थ निकल रहा है तो इस पर आप गोला लगाएंगे। सहल, सहल ये कोई शब्द नहीं है, ये एक गलत शब्द है। लभता, लभता भी एक गलत शब्द है।
इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा। कलम, कलम जिससे आप लिखते हैं, तो इस पर आप गोला लगाएंगे। रग, रग ये एक गलत शब्द है, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता। आकाश, आकाश क्या होता है? जो ऊपर नीले बादल होते हैं उसे हम आकाश कहते हैं, तो इस पर आप गोला लगाएंगे। तीसरा, शब्दों के मेल से वाक्य बनाइए। का, रंग लाल जमा होता है गुलाब का। बच्चों, किसका रंग लाल होता है? गुलाब का। तो यह वाक्य बनेगा, गुलाब का रंग लाल होता है। ख, बाजार हम जमा जाएंगे जमा आज। कौन जाएगा बाजार? हम जाएंगे बाजार। और कब जाएंगे बाजार? बाजार आज जाएंगे। तो इसका शब्द हुआ हम, इसका शब्द हुआ आज हम बाजार जाएंगे। ग, गाता है गाना मनोज। मनोज क्या गाता है? मनोज गाना गाता है। तो इसका शब्द हुआ मनोज गाना गाता है। चौथा, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। क, अजगर, अजगर से क्या वाक्य बनेगा? पहला, जैसे चिड़ियाघर में हमने एक अजगर देखा। दूसरा, अजगर जंगल में पाया जाता है। ख, आम, इससे क्या क्या वाक्य बन सकते हैं? जैसे बच्चों को आम खाना बहुत पसंद है, और आम फलों का राजा है। ग, चांद, बच्चों चांद से और क्या क्या शब्द बन सकता है? चांद से क्या क्या वाक्य बन सकते हैं? जैसे आज पूरा चांद निकला है, और करवा चौथ पर महिलाएं चांद की पूजा करती हैं। घ, महल, महल से क्या क्या वाक्य बन सकता है? जैसे राजा का महल बहुत सुंदर था, और महल के चारों ओर खाई थी। भाषा की परख, पांचवा, सही उत्तर चुनिए। क, यह, च, म, न, क, क्या मेल शब्द है?
चमन या नचम या मनच। इसका सही मेल शब्द है चमन, चमन। ख, इस शब्द के वर्णों को उलट पुलट देने से नया शब्द बन जाता है। कौन कौन से? कमल या घर या भवन। जैसे कमल का हो गया कलम, घर का रग, इससे कोई शब्द, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता। भवन का वभन, इससे भी कोई अर्थ नहीं निकलता। तो सही शब्द क्या है? कमल। ग, इस चित्र का वर्णन करने वाला वाक्य है। बच्चों इस चित्र को देखें। इस चित्र में क्या रखा है? इस चित्र में फल रखे हैं। तो यहाँ कौन कौन सा वाक्य दिया हुआ है? टोकरी में फल रखे हैं, टोकरी में सब्जी रखी है, टोकरी पर गिलास रखा है। बच्चों अभी आपने टेबल पर गिलास रखा है। बच्चों अभी आपने इस चित्र में ये टोकरी देखी और टोकरी में फल देखे। तो इसका सही उत्तर क्या है? टोकरी में फल रखे हैं।